हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग IISER की प्रोविजनल लिस्ट, अलॉटेड प्रोविजनल लिस्ट जो है वो SCB और JEE चैनल के लिए रिलीज़ हो गई है, यानी प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट SCB और JEE चैनल के लिए रिलीज़ हो गई है। फर्स्ट राउंड की IISER की काउंसलिंग SCB और JEE चैनल के लिए 20th अक्टूबर 2020 को स्टार्ट होने वाली है। मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ स्टार्टिंग से दोबारा। JEE और SCB चैनल की फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट फर्स्ट राउंड की रिलीज़ हो गई है IISER एडमिशन से रिलेटेड। और IISER का एडमिशन का जो काउंसलिंग है SCB और JEE चैनल का, वो आज शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट जो अलॉटेड स्टूडेंट्स की है उसे चेक करेंगे। कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि ये स्पेशल चैनल बनाया गया है IISER एडमिशन से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सब्सक्राइब करने का रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि आज आप रिज़ल्ट, ये जो है IISER एडमिशन का जो रिज़ल्ट है यानी प्रोविजनल लिस्ट है उसे आप चेक करेंगे, बात है अगले कुछ सालों की जब तक आप पढ़ाई करेंगे। तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके वाइवाज होंगे, आपके इंटर्नशिप्स होते हैं, आपके प्लेसमेंट्स होते हैं, आपके कल्चरल इवेंट्स होते हैं, आपके टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, आपके कल्चरल फेस्ट होते हैं, आपके टेक्निकल फेस्ट होते हैं। आप गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, आप कैसे फ्री में IISER में पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे आप डायरेक्ट प्लेसमेंट ले पाएंगे, किस तरीके से आप अलग अलग जगहों पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप फॉरेन में कितनी चांसेस हैं आपके जाने के, आप जो है इंटर्नशिप्स वगैरह कैसे कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से चेक करके सही इन्फॉर्मेशन पाना है, यही आपका मकसद है, यही हमारा भी है। तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है IISER एडमिशन 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ IISER एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है, रिजल्ट भी डिक्लेयर आप बोल सकते हैं इसे। तो क्या करना है, IISER एडमिशन IAS पेपर लिखेंगे, इसे सर्च करेंगे। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं IISER 2020 और यहाँ पे लिखा है IAS पेपर, एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नया टैब में जाएंगे, जूम कर देता हूँ इस पेज को 150%। तो यहाँ पे देख सकते हैं IISER एडमिशन का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, अलॉटमेंट लिस्ट वगैरह हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो IISER के जो एडमिशन की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज़ बता दूं कि IISER का जो एडमिशन है उसका जो अलॉटमेंट है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इस वीडियो को। ऑल राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सामने आपके फॉर्म है, आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए, अपना फुल नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं केरला का हूँ तो केरला पे क्लिक करूँगा, आप कहीं और के हो सकते हैं, केरला के कहाँ के हैं तो मैं केरला के अटिंगल का हूँ। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गांव के हैं, तो भी आपको अपने नज़दीकी शहर का नाम या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ लिखना है। अगर आप मेरी बात करें तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ, शहर से काफ़ी दूर है, दुर्गम इलाका है, बिजली पानी सुख सुविधाओं का, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, रोड ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ों का बहुत अभाव है। इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी कोशिश करता हूं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस दे सकूं। तो कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं यहां पे इंटरेस्टेड, एग्जांपल के तौर पे स्पेस वगैरह जो पार्ट है ना, वो साइंस का पार्ट है, स्पेस साइंस वगैरह जो भी पार्ट होते हैं वो साइंस का पार्ट है, तो साइंस पर क्लिक करना है और हाइएस्ट क्वालिफिकेशन 12th लिख के गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, IISER से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, आपको ईमेल और SMS के ज़रिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती रहेंगी। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर्स आते रहेंगे कि आप चाहें तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है, जिससे आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, क्वालिटी, चॉइस और सलेक्शन। तो जहाँ पर क्वालिटी, चॉइस और सलेक्शन ये तीनों होता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने धैर्य, विचार, विमर्श, आदर्श, सौहार्द, पुरुषार्थ, यथार्थ से डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें कहाँ पर एडमिशन लेना। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं IISER की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है SCB और JEE चैनल की, वो आज स्टार्ट होगी 20 अक्टूबर को, 20 यानी 20 अक्टूबर को। और सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है KVPY की, वो स्टार्ट होगी 1 नवंबर 2020 को। मीनवाइल आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं KVPY की जो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट राउंड की, SCB चैनल, JEE की, जो स्टार्ट होने वाली 20 अक्टूबर को। यहाँ पे बता दूं कि IISER की जो एडमिशन की प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है फर्स्ट राउंड की, वो रिलीज़ होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ हो गया है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू एडमिशन डिटेल्स। उससे पहले गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूँ कि देश के टॉप 6 यूनिवर्सिटीज़ में, पहले ही मैंने बताया अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, तो इनके अंदर फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है। जैसे मानव रचना यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप यहाँ पर एडमिशन लें आज के आज, क्योंकि रीज़न है 500% प्लेसमेंट रेट, क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी रीजनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ के बच्चे आएंगे? पास के बच्चे आएंगे, जो आसपास के बच्चे होंगे घर के, कॉलेज के नज़दीक वाले, और कोई आएगा? नहीं आएंगे। इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, यहाँ पे पूरे देश के बच्चे आते हैं, हमारे देश के हर स्टेट से बच्चे आते हैं, सिर्फ उतना ही नहीं दूसरे देशों से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो जब आप उनके साथ पढ़ते हैं, बातें करते हैं, रहते हैं, खेलते कूदते हैं, तो आपका कल्चरल एक्सचेंज होता है, टैलेंट एक्सचेंज होता है, नॉलेज एक्सचेंज होता है, माइंडसेट एक्सचेंज होता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ किसी न किसी एक में आपको एडमिशन लेना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली एडमिशन लेता किसी न किसी में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट, तो मतलब एडमिशन लिस्ट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नया टैब में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं SCB चैनल की प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट जो है फर्स्ट राउंड की निकल चुकी है, और यहाँ पे देख सकते हैं JEE एडवांस की प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे निकल चुकी है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में जाएंगे, और यहाँ पे हमें फाइल डाउनलोड करना है। यहाँ पे स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे SCB चैनल वाली है, JEE एडवांस लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड स्टूडेंट का यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं और यही स्टूडेंट बुलाए जाएंगे आपके काउंसलिंग के लिए। तो इन्हीं बच्चों को काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही वीडियो काउंसलिंग की आएगी मैं आपको बताऊंगा, अभी लिंक लाइव नहीं हुई है। मीनवाली आप इस पेज को बुकमार्क कर लीजिए, जिससे आप फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगे IISER से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेंगे। तो इस तरह से लिस्ट करना है चेकअप को। अगर आपको कोई डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट करें। यही काउंसलिंग वन के लिए बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके चेक कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसा स्टार्टिंग में आपको बताया वैसे कंट्रोल एफ करके आप अपना यहाँ पे रोल नंबर चेक कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, ओके, कंट्रोल एफ करके आप चेक कर सकते हैं। अगर सारे स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।